Myself Rahul Verma, IAS officer 2016 batch. Welcome to Target IAS. मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड फॉर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2020 एंड गेट 2020 के लिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपके गेट में. नौ मार्क्स का आता है लगभग, और ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में अबाउट आपका 20 मार्क्स का आएगा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड. चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 5. इस मॉड्यूल के साथ ही आपका ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट से मैं स्टार्ट करूंगा, और ये थोड़ा कंसेप्चुअल है टाइम एंड वर्क, और आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से कवर करूंगा. आगे जो भी आपके 20 टॉपिक हैं वो मैं पूरे कंप्लीट करूंगा अभी बहुत जल्दी से. चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 5. लास्ट मॉड्यूल मैंने यूनिट के बारे में बताया, बहुत बेसिक से बताया मैंने, उसको देख लीजिए अच्छी तरीके से. इसके बाद स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर. चलिए देखते हैं सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या है. रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन ए इंटू बी इंटू सी अपॉन एन, दैट इज ए इंटू बी इंटू सी वेन डिवाइडेड बाई एन. ठीक है, ए बी सी को एक नंबर है जो एन से डिवाइड किए गए हैं. इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन ए आर इंटू बी आर इंटू सी आर अपॉन एन. जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर है ए बी सी जिसको आपने डिवाइड किया है एन से, तो उसके जो रिमाइंडर बचेंगे, पहले तो डिवाइड होके कुछ कैंसिल हो जाएंगे आपके, ए का कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बी का कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सी का कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर भी आपको इस तरीके से फॉलो करेंगे कि ए ए का रिमाइंडर इंटू बी का रिमाइंडर इंटू सी का रिमाइंडर अपॉन एन, वेयर ए आर इज द रिमाइंडर वेन ए इज डिवाइडेड बाई एन. जब आप ए को डिवाइड करेंगे एन से, तो आपके पास जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको बोलते हैं ए आर. और जब बी को डिवाइड करेंगे, बी आर इज द रिमाइंडर वेन बी इज डिवाइडेड बाई एन. तो बी को डिवाइड करेंगे एन से, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा उसको बी आर दिया है पर. और सी आर मीन्स इज द रिमाइंडर वेन सी इज डिवाइडेड बाई एन. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 17 इंटू 19 वेन डिवाइडेड बाई 7. इसको डिवाइड करके देखते हैं. मैंने कुछ स्पेस इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करें. जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया था, इसको आप खुद से एक बार निकाल के देखिए, नहीं आ रहा तो आप इसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए. तो चलिए देखते हैं 15 इंटू 17 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 7. जब 15 को डिवाइड करेंगे 17 से, 7 से, तो 7 × 2 = 14 आपका कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बचेगा. और 7 × 2 = 1 बचेगा, सॉरी 1 रिमाइंडर बचेगा आपका, और 14 आपका एग्जिट डिविजिबल हो जाएगा. और 17/7 मतलब 7 × 2 = 14 आपके इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 3. 19 7 × 2 = 14 और इसमें कितना बचेगा आपका रिमाइंडर, बचेगा आपका 5 अपॉन 7. अब ये देखिए 3 × 3 = 5 15 अपॉन 7. अब 7 को फिर दोबारा से डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्टली ये डिवाइड हो जाएगा आपका 7 × 2 = 14, बचेगा इस पर 1 रिमाइंडर, तो 1/7. तो ये जो आपका बच रहा है कॉमन, ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर. तो रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन 15 × 17 × 19 / 7, दैट इज 1. तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका, रिमाइंडर आएगा आपका 1. चलिए थोड़ा और देखते हैं और सिंप्लीफाई. अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ पॉलीनोमियल थ्योरम से सॉल्व होंगी. पॉलीनोमियल थ्योरम को किस तरीके से यूज करते हैं, यू वेरी यूजफुल टू फाइंड द रिमाइंडर्स. जैसे मैंने यहाँ पे पॉलीनोमियल थ्योरम लिखी है, एक्स प्लस ए की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस के वन ए की पावर वन प्लस के एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस के टू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट. ये बेसिक एक्सप्रेशन है आपका पॉलीनोमियल थ्योरम का. अब मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्स प्लस ए की पावर एन को मैंने डिवाइड किया है, यहाँ से कोई एक नंबर लिया मैंने एक्स, ठीक है, ये एक्स मैंने यहाँ पे डिवाइड किया इसको एक्स को, तो एक्स की पावर एन प्लस के एन सी वन, ये आपका एक्सप्रेशन है ऑन एक्स. अब क्या किया मैंने यहाँ पे, देखिए कुछ आपके एक्स के टर्म्स हैं, जैसे एक्स की पावर एन ये वाले टर्म्स हैं, ये एक्स के टर्म्स हैं आपके, और ये एक्स के टर्म्स हैं. ये एक्स के टर्म्स एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपके डिविजिबल होंगे इससे एक्स से, तो इनको अलग कर देंगे. बका के जो आपके मेन मेन बचेंगे आपके ए की पावर वन ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस के ए की पावर फोर प्लस ए की पावर फाइव डॉट डॉट सो वन, ये सारे आपके बचेंगे सिर्फ, और जो बचेंगे एक्सप्रेशन में वो होंगे आपके रिमाइंडर.
तो रिमाइंडर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी ए की पावर एन अपॉन एक्स। पॉलिनोमियल थ्योरम को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसमें आपके जो भी रिमाइंडर बचेंगे वो आपके ए की पावर एन अपॉन एक्स होंगे, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टर्म्स कंटेन्स एक्स, क्योंकि बकाया के जो टर्म्स हैं उनमें एक्स है, आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई एक्स, सारे कंप्लीटली डिविजिबल बाई एक्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 की पावर 99 अपॉन 8। मैंने क्या किया, 9 की पावर 99 को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम तो बहुत टफ हो जाएगा हमें 8 से डिवाइड करने पर। हमने क्या किया, इसमें पॉलिनोमियल थ्योरम का यूज़ किया। सिंपल से जैसे मैंने पॉलिनोमियल थ्योरम लगाई, इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने कन्वर्ट करना चाहा एक्स प्लस ए की पावर एन में, क्योंकि अपॉन एक्स में, क्योंकि इसमें हमें जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें ए की पावर एन अपॉन एक्स में मिलेगा हमें रिमाइंडर। देखिए कैसे, मैंने 9 की पावर 99 है अपॉन 8 है, तो 8 तो आपका ये एक्स हो गया, और इस एक्स के लिए हमें एक एक्स यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा एग्जैक्ट डिविजिबल इसको करने के लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि हमने 9 को लिख दिया 8 प्लस 1, तो यह अगर 9 की पावर 99 अपॉन 8, तो ये 8 से तो 8 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बचेगा आपका ए, ये क्या है 1, तो 1 की पावर 99, 1 की पावर 99 अपॉन 8, तो ये 1 की पावर कितना भी करते हैं तो हमें से 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन 8 मीन्स 1, 1 इज द रिमाइंडर। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व कर पाया इस सिंपल सी पॉलिनोमियल थ्योरम की वजह से, अदरवाइज इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत टफ हो जाता है हमें सॉल्व करना रिमाइंडर थ्योरम से। तो कुछ चीज़ें आप रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पॉलिनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया मैंने, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3 टू द पावर 35 अपॉन 7। यहाँ क्या करना है, ये 3 है हमारे पास, इस 3 को हमें कन्वर्ट करना है एक्स प्लस ए के फॉर्म में। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स आपका 7 है, तो हमें यहाँ पे 7 लेके आना है। तो 3 की पावर 24 हमने क्या किया यहाँ पे, 3 के स्क्वायर कर लीजिए आप एक बार, 3 तरह का 9, और ये हो जाएगा 125 इंटू 2, तो आपका 250 हो गया अपॉन 7। तो ये 3 तरह का 9, और 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 7 प्लस 2 की पावर 125 अपॉन 7। अब देखिए एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा तो आपका सिर्फ रिमाइंडर बचेगा 2, तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से 2 की पावर 125 पॉलिनोमियल थ्योरम से सॉरी और 2 की पावर 125 अपॉन 7 लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को फिर से कन्वर्ट करते हैं 7 के फॉर्म में लेके आते हैं इसको, तो 125, तो इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, बस थोड़ा सा, कि 2 की पावर 125 है, हम 2 टू द पावर 2 लिख ले रहे हैं, इंटू 2 टू द पावर कितना बचेगा 123, क्योंकि आपको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, तो 123 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 7। ठीक है, अदरवाइज हमें सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, हम चाहते हैं यहाँ पे फिर से हमारा 2 का फॉर्म बन जाए, तो हम 2 का फिर से फॉर्म बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू, इसमें से हम 123 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 123 को हम 41 इंटू 3 कर सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 4 थी 12, 123 आ रहा है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 2 टू द पावर 3 अपॉन 41, ये थोड़े कॉम्बिनेशन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन 7, तो इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा आपका, तो 8 को क्या लिख पाएंगे, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 की पावर 41 अपॉन 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 की पावर 41, 1 की पावर 41 का मतलब है 1 ही हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 अपॉन 7, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 अपॉन 7, तो ये आपका 4 इज द रिमाइंडर। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाते हैं बहुत ईजी तरीके से। अब कुछ आपके फिक्स्ड कुछ स्टेटमेंट हैं जिनके बेस पे आप सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर वाई ए बी सी, कोई एक नंबर है उसको ए बी सी से मैंने डिवाइड किया, इफ वी गेट अ रिमाइंडर ए माइनस के बी माइनस के एंड सी माइनस के, अगर आपके दो नंबर होते मान लीजिए ए एंड बी, इफ वी गेट अ रिमाइंडर ए माइनस के बी माइनस के या फिर सी माइनस के, दो होंगे तो आपको दो इस तरीके से रिमाइंडर मिलेंगे, तीन होंगे तो आपको तीन रिमाइंडर मिलेंगे, ये मतलब तीन बार डिवाइड कर रहे होंगे। तो ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई ए बी सी, इफ वी गेट अ ए माइनस के बी माइनस के एंड सी माइनस के एज अ रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, देन दैट नंबर विल बी, तो आपको नंबर क्या होगा, एन इंटू एल सी एम ऑफ ए बी सी माइनस के, क्योंकि आपको रिमाइंडर मिला है ए माइनस के बी माइनस के और सी माइनस के फॉर्म करने पर। इसके बाद मैं आपको एक ये कंसेप्ट और बताऊंगा, आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे एक साथ में पहले भी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, कोई आपका एक नंबर है
on dividing a number by 4 and 5, we get 2 and 3 as a remainder. Find the highest double digit such number. तो यहाँ पे highest double digit number पूछ रहा है आपसे या फिर lowest number पूछ रहा है, कुछ भी पूछे, तब यहाँ पे n की value को आपको change करना पड़ेगा. जैसे highest पूछ रहा है तो हमें possible multiplication करके हमें n की value वो रखनी होगी जिससे हमें highest number मिल जाए 2 digit का. तो चलिए देखते हैं. मान लीजिए आपका कोई एक number है और हमें उस number आपके on dividing a number by ABC, ठीक है, on dividing a number by 4 and 5 आपके ये question में था और हमें रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिला हमें 2 और 3. तो वी गेट 2 एंड 3 एज अ रिमाइंडर. तो यहाँ पे ये क्या है एग्जैक्टली, आपको ए माइनस के की, बी माइनस के की और सी माइनस के की वैल्यू मिल रही है हमें. तो अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो अपना, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमें वो क्या है आपकी ए माइनस के बी माइनस के और सी माइनस के है एज अ रिमाइंडर मिल रही है हमें. तो हमें एग्जैक्टली रिमाइंडर फाइंड करना है तो हमें एक कॉमन रिमाइंडर मिलेगा क्योंकि हमें के की वैल्यू रखनी है. यहाँ पे देखिए के की वैल्यू रखनी है, के की वैल्यू 2 और 3 तो हो नहीं सकती. तो 4 माइनस के 2 करेंगे आप, ए माइनस के करेंगे आप, 4 माइनस के 2 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा और 5 माइनस के 3 करेंगे आप यहाँ पे तो भी आपको 2 मिलेगा. मीन्स आपको ये के की वैल्यू मिल गई. यहाँ पे आप क्या करेंगे, द नंबर विल बी एन इंटू एलसीएम ऑफ ए बी एस सी. ए बी क्या है तो 4 और 5 माइनस के 2, तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा और एन इंटू 20 माइनस के 2. हमें क्या करना, फाइंड द हाईएस्ट डबल डिजिट नंबर. अगर उन्हें ऐसा नहीं पूछा होता, सिर्फ नंबर फाइंड करने के लिए पूछा होता तो मैं इनकी वैल्यू 1 रख देते, एन बराबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, नेचुरल नंबर से एन आपके. तो यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट डबल डिजिट नंबर निकालना है तो एन की वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने 5 रख दी तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 20 100 माइनस के 2 दैट इज इक्वल टू 98 व्हेन एन इज इक्वल टू 5. अगर हम एन की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये 80 माइनस के 2 हो जाएगा 78. तो 78 तो आपका डबल डिजिट में हाईएस्ट नंबर नहीं है ना, तो आपका डबल डिजिट में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 98. इसका 99 है तो 99 तो इस फॉर्मूले से आ नहीं सकता, इसलिए 98 आपका हाईएस्ट डबल डिजिट नंबर होगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई ए बी एंड सी, इफ वी गेट के एज अ रिमाइंडर ऑलवेज, हमें ऑलवेज हमें के हमें से पहले से रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है, ऑलवेज अ रिमाइंडर, देन द नंबर विल बी, नंबर क्या होगा, एन इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस के. यहाँ पे आपको के अगर रिमाइंडर मिल रहा है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे के एड करके रख देनी है. अगर ए माइनस के बी माइनस के करने से आपको रिमाइंडर मिल रहा है तो के की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. मैंने यहाँ पे निकाली है के की वैल्यू. चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा. ऑन डिवाइडिंग ए नंबर 5, 6, 7 वी गेट अ 2 एज अ रिमाइंडर ऑलवेज फाइंड द लीस्ट नंबर. यहाँ पर क्या पूछा है, लीस्ट नंबर पूछा. चलिए देखते हैं, तो आपका नंबर क्या होगा, एन इंटू एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 और 5, 6, 7 और प्लस के. के की वैल्यू तो आपको पता है के इक्वल टू 2 होगी. 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे हम. ये तीनों अलग अलग डिफरेंट नंबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा. करके देख लीजिए, 5, 6, 7 को हमने इस मेथड से बताया तो 5 × 5 = 1, 6 और 7. 6 का करेंगे तो 1, 1 और 7 और 7 का करेंगे तो 1, 1, 1. तो ये आपका निकलेगा एलसीएम. और 5 × 6 से आपका हो जाएगा 30 × 7 = 21, 210. ये आ जाएगा आपका 210 प्लस के की वैल्यू आपकी 2, तो ये हो जाएगा आपका 212. इससे लिस्ट और कुछ नहीं निकल सकता क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा. अगर मान लीजिए मैंने एन की वैल्यू 2 रख दी यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट नंबर पूछा ना, अगर 2 कर दी मैंने तो उसका जो डबल हो जाएगा वो प्लस में 2 ऐड कर देंगे. तो हमें लिस्ट वैल्यू, तो हम लिस्ट वैल्यू के लिए एन की वैल्यू 1 ही रखते हैं. तो यहाँ पे 1 रखेंगे एन की वैल्यू और आपको ये आंसर मिल जाएगा 212. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ नंबर आफ्टर एडिंग के इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए कॉमा बी एंड सी, देन नंबर विल बी एन इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के. होता क्या, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से रखी है चीजें. इनके पहले आपको एक नंबर का एलसीएम निकालनी पड़ेगा क्योंकि ए नंबर को आप डिविजिबल कर रहे हैं किससे, ए बी सी से. इफ अ नंबर आफ्टर एडिंग के, आफ्टर इसमें ऐड कर दिया आपने के, तो आप में से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए बी एंड सी, देन फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर मिलेगा एलसीएम ऑफ माइनस के. ऐड के लिए बोला तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा. तो इस तरीके से
इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा याद रखिए, वैसे आपके एग्जाम में आप आएगा तो आप बता देंगे तुरंत। जैसे मैंने लास्ट में बताया था आपको, ऑन डिवाइडिंग नंबर बाई ए बी सी वी गेट के एज ऑलवेज अ रिमाइंडर, देन नंबर विल भी, तो नंबर विल भी आपका ये होगा। अगर आपको ऑलवेज के एज अ रिमाइंडर मिल रहा है, ए माइनस के, बी माइनस के, सी एज अ रिमाइंडर मिल रहा है, तो आपको उस तरीके से नंबर और रिमाइंडर में घटा के आपको एक कॉमन रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें आपको ऐड करने के बाद के मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे माइनस करके उस नंबर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आफ्टर एडिंग बोल रहा है ना, आफ्टर एडिंग, तो हमें सबट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू निकलेगी, तो हमने सबट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच आफ्टर एडिंग 5 इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 6। तो आपका नंबर क्या होगा, नंबर विल बी एन इंटू एल सी एम ऑफ 6 इंटू 7 माइनस रिमाइंडर क्या आपका 5, रिमाइंडर इज द 5। तो लीस्ट नंबर पूछ रहा है, लीस्ट के लिए एन की वैल्यू में 1 ही रखनी पड़ेगी। एलसीएम ऑफ 5 इंटू 6 करेंगे तो 5 क्रॉस 6 आपका आ जाएगा 42 माइनस के 5 दैट इज 37 इज द आंसर। चलिए देखते हैं बेस सिस्टम। ये अभी नंबर सिस्टम का लास्ट पॉइंट बचा हुआ आपका, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेस सिस्टम, बेस सिस्टम में मैंने जैसे मान लीजिए दो डिजिट ले लिए मैंने 0 एंड 1, तो आपके बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पास सिर्फ दो ही डिजिट और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। जैसे हम नंबर ले, जैसे हम बेस सिस्टम हमेशा ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐड करिए 71 को 89 से ऐड करिए, तो आपने क्या किया, सिंपल सा हमने डिजिट कितने हमने 0 से 9 तक है हमने बेस सिस्टम लेके रखते हैं हमेशा 10। तो हमेशा जब हम ऐड करते हैं तो 9 + 1 = 0, क्योंकि हमारे पास 10 आ गया। 10 जैसे आता है बेस सिस्टम, यहाँ पर हमने पहले डिफाइन करके रखा 10 है, 10 जैसे आएगा हमारे पास तो हम उसका ये आपका लास्ट डिजिट यहाँ पर रखेंगे और नेक्स्ट डिजिट को 1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो आपको 1 यहाँ पर ऐड करेंगे आप तो 8 + 7 = 15 और 1 = 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, गेट का क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि 32 को ऐड किया मैंने 24 से और उसका आंसर आ रहा 60, सॉरी मान लीजिए उसका आंसर आ रहा 100, उसका आंसर आ रहा 100। फाइंड द बेस सिस्टम, देखिए आप उसका बेस सिस्टम फाइंड कर रहे होंगे, तो 4 + 2 की आपने 6 आया, यहाँ पे 6 आती है, आपने यहाँ पे 0 लिखा, होगा क्या होगा कि आपके डिजिट क्या क्या होंगे आपके नंबर सिस्टम में, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे आप 5 और जैसे आपका 6 आता होगा, तो 6 का मतलब होता होगा आपके लिए आप 10, यहाँ से आपको 0 रखना है, 1 को यहाँ पे ऐड कर देना है। आपको जैसे एक हासिल लगाते हैं ना आगे चल के, तो वैसे आपके सिर्फ 6 था आपका यूनो डिजिट, आपके 10 तक नहीं जैसे 6 तक पहुँचेगा, तो उसका मतलब है 0 यहाँ करना और 1 को यहाँ पे आगे ऐड कर देना। तो 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया 3, 4, 5 और ये 1 ऐड हो गया 6, 6 का मतलब यहाँ पे 10 से है, तो ये 10 हो गया आपका। तो इस तरीके से बेस सिस्टम रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 का बेस सिस्टम है, बेस आपका 4 है, तो उसमें डिजिट कितने होंगे, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे आपका 10 का बेस 10 था आपका, तो आपके यूनिट डिजिट कितने थे 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे कितने थे 0 से लेके 6, 0 से लेके 5 तक, और 6 जैसे आया उसको आपने ऐड कर दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम 6 पे नहीं आ सकते, 6 जैसे आते हैं उसको 10 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अगर किसी बेस की बात करें, अगर बेस आपका n है, तो आपके डिजिट कितने होंगे n माइनस 1 तक के आपके डिजिट होंगे, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिजिट क्या होगी n माइनस के 1। जैसे आप मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 3 है, डिजिट की लास्ट वैल्यू क्या 3 है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या 3 हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस के 1। तो बेस आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया क्या था एक्चुअली कि 3, 4, 2, 6 जैसी 6 आया, 6 को मैंने क्या किया 2 + 4 जैसी आया सिक्स हो गया, 6x एक्चुअली। अब यहाँ पास डिजिट सिस्टम कितना है 0 से लेके 5 तक ही, हमें 6 लिखना है, तो हम 6 नहीं लिखेंगे, उसको हम 0 लिखेंगे, 1 आपको यहाँ पे एडिशनल ऐड करेंगे इस 1 को, और आपका ये 3, 2, 5 और 1 6 हो जाएगा, और आपको 10 इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा बेसिकली बेस सिस्टम आपका क्या है, बहुत सिंपल सा था कि मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है यहाँ पे, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं आपके, तो बता दीजिए मैं, और टेस्ट सीरीज में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ इसकी, वो आपको मिल जाएगी। आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको स्टार्ट करूँगा मैं टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक से, और आपको भाई कंसेप्ट से बताऊंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क।